सबसे पहले तो हम यहाँ पर आवेदक की SSID लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले SSID दर्ज कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम पासवर्ड दर्ज करेंगे नीचे। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड दर्ज कर लेते हैं। पासवर्ड दर्ज कर लेने के बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है सेम वैसा का वैसा ही यहाँ पर एक कैप्चा कोड हम फिल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये SSID लॉगिन हो जाएगी और यहाँ पर आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पर आपको सर्च में सर्च कर देना है एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर इस तरह का पॉपअप मेन्यू दिखाई देने लगेगा, राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, क्या आप तकनीकी रूप से योग्य हैं? तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम कोर्स का चयन करेंगे। जो भी आवेदक का कोर्स है, जो भी आवेदक ने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, BEd, BTech, RSCIT या फिर एनी अदर, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कोर्स समाप्ति वर्ष, तो हम यहाँ पर कोर्स समाप्ति वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे। जिस ईयर में कोर्स पास किया है, अर्थात उस जिस ईयर में कोर्स पास आउट है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कॉलेज या संस्था का नाम दर्ज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कॉलेज या संस्था का नाम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोर्स सर्टिफिकेट अपलोड करें, यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और वो कोर्स या फिर जो भी सर्टिफिकेट है वो हम अपलोड कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कोर्स का नाम दर्ज कर लेंगे, जो भी कोर्स कर रखा है। तो चलिए हम यहाँ पर कोर्स का नाम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक 1 जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ता जारी रखने या पाने के लिए किसी भी सरकारी विभाग में प्रति कार्य दिवस 4 घंटे की इंटर्नशिप की जानी अनिवार्य है, क्या आप इसके लिए सहमत है? यस पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर लेंगे।